मैं सूरज महतो आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपनी कुछ कविताएं। टूटते तारे, आसमान से तारों को टूटकर धरती की ओर गिरते हुए देखा है? आसमान से तारों को टूटकर धरती की ओर गिरते हुए देखा है? टूटे तारे जब गिरते हैं तो उनकी रोशनी धीरे धीरे अंधकार में लुप्त हो जाती है। टूटे तारे जब गिरते हैं तो उनकी रोशनी धीरे धीरे अंधकार में लुप्त हो जाती है। धरती पर गिरकर अपना अस्तित्व भी खो देते हैं। मैंने अनगिनत पढ़े लिखे बेरोजगारों को टूटते तारे बनते देखा है। दूसरी कविता है स्त्री। कष्ट सह सह कर गला देती है अपनी काया। कष्ट सह सह कर गला देती है अपनी काया, विलीन कर देती है अपना अस्तित्व। मोमबत्ती जलती रहती है, होती रहती है रोशनी पूरे घर में। दूसरी कविता है नई राजनीति। भीड़ में चेहरे वही होते हैं और हाथ भी। भीड़ में चेहरे वही होते हैं और हाथ भी। बदलता है तो बस उनके हाथों में लहरा रहे झंडे और उनके रंग। दूसरी कविता है रफ्तार। मत दौड़ो तेज रफ्तार से, थक जाओगे। मत दौड़ो तेज रफ्तार से, थक जाओगे। बेहतर यही होगा कि एक घना पेड़ देखकर उसकी शीतल छांव में अपने थके हारे पांव को जरा आराम करने दो, ताकि अगले दिन तय कर सको कुछ और दूरी। दूसरी कविता है मुंह फटी पुरानी खाली झोली। मोटर कार से वह आया, आदेश फरमाया, थैला फेंका, बटुआ खोला, मुंह मांगी रकम थमाया, भरे थैले को उठाया और चलते बना। मोटर कार से वह आया, आदेश फरमाया, थैला फेंका, बटुआ खोला, मुंह मांगी रकम थमाया, भरे थैले को उठाया और चलते बना। नंगे पांव वह आया, पूरे बाजार का चक्कर लगाया, भाव पूछा, जेब टटोला, निराश हुआ, मुंह फटी पुरानी खाली झोली लिए उल्टे पांव झोपड़ी में आया। अब मेरी अंतिम कविता है तुम मेरी कविता हो। तुम मेरे कोमल कुसुम मन में बहकी तारिका के समान उज्ज्वलित होने लगी। तुम मेरे कोमल कुसुम मन में बहकी तारिका के समान उज्ज्वलित होने लगी। मैंने नहीं पहचाना कौन हो तुम। मैंने नहीं पहचाना कौन हो तुम। बहुत कोशिश की तुम्हें पहचानने की, तुम कहीं वही तो नहीं जिसे पाने के लिए बेचैन रहता हर पल ये मन। कभी कभी अनायास ही बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे हृदय कुटिया में आ धमकती हो और कर देती हो बेचैन मेरे मन को। फिर धीरे धीरे गोमुख हृदय से गंगा की तरह कोरे कागजों में प्रकट हो जाती, तब मुझे स्मरण हो आता है तुम तो मेरी कविता हो, मेरी कविता हो।